न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान, जसप्रीत बुमराह उपकप्तान। शुभमन गिल, जायसवाल, ध्रुव चुरेल को टेस्ट टीम में मौका मिला। सरफराज खान और आकाशदीप को भी मिली जगह। न्यूजीलैंड के खिलाफ चार खिलाड़ियों को रिजर्व में रखा गया। हर्षित राणा, नीतीश रेड्डी, मयंक यादव के साथ प्रसिद्ध कृष्णा का नाम शामिल। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 16 अक्टूबर से होगी तीन टेस्टों की सीरीज की शुरुआत। 1 नवंबर को सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ 20 ओवर में 297 रन बनाकर इतिहास रचा। भारत ने किसी टेस्ट प्लेइंग टीमों में बेस्ट T20 स्कोर बनाया। टीम इंडिया के लिए संजू सैमसन ने शतक जड़ा। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या समेत सभी खिलाड़ियों ने किया कमाल। हैदराबाद के मैदान पर भारत और बांग्लादेश का मुकाबला। तीसरे T20 मुकाबले में हर्षदीप सिंह की जगह रवि बिश्नोई को मिला मौका। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे T20 मैच से पहले BCCI ने दिया अपडेट। हर्षित राणा वायरल फीवर के वजह से सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं रहे। डेब्यू करने से चूके हर्षित राणा। सीरीज के आखिरी मुकाबले में मेहमान टीम बांग्लादेश ने प्लेइंग 11 में दो बदलाव किए। तंजीद हसन, तमीम और मेहदी हसन को टीम में शामिल किया गया। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल से एक जीत दूर भारतीय टीम। 13 अक्टूबर को शारजाह के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला। भारतीय महिला टीम के लिए जीत नहीं होगी आसान। पिछले दो नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया से ही हारी है टीम इंडिया। IPL से पहले बदला महेंद्र सिंह धोनी का लुक। CSK ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। भूरे बाल, हरा चश्मा और हल्की दाढ़ी में नजर आए। जामनगर के राजा बने पूर्व भारतीय खिलाड़ी अजय जडेजा। अजय जडेजा को अगला जाम साहब घोषित किया गया। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम की हार के बाद भड़के शोएब अख्तर। बोले टीम में दर्शकों से गिरावट ही दिख रही है, क्योंकि जो बोएंगे वो ही काटेंगे। टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने पर बोले जो रूट, मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, वो आंकड़ा अभी मुझसे कुछ दूर। अभी सचिन तेंदुलकर से 3,257 रन दूर है जो रूट। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज तेलंगाना में DSP नियुक्त किए गए। तेलंगाना DGP ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सरकार ने नौकरी देने का ऐलान किया था। इंग्लैंड के खिलाफ करारी हार के बाद मायूस दिखे पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद। हमें हालात के मुताबिक ढलना सीखना होगा, अगले मैच में मजबूती से करेंगे वापसी। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीम का मुकाबला। न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से जीता मैच। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने 115 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 18वें ओवर में चेस किया टारगेट। रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में खामोश रहा श्रेयस अय्यर का बल्ला। पहली पारी में 0 रन पर ही आउट हो गया अय्यर। बड़ौदा के खिलाफ मुकाबला खेल रही है मुंबई की टीम।